तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो कि टाइम रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं। टाइम रेंज ब्रेकआउट, आपने कई बार ये नाम सुना होगा, मैं थोड़ा ब्रीफ करके बताता हूँ। टाइम रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम की रेंज का ब्रेकआउट होने से ट्रेड करना। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ये सेट किया है कि सुबह 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट जब खुलेगी, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी हाई या लो बना होगा, जैसे ही वो ब्रीच करेगा, वो ब्रेक करेगा, मेरा बाय या सेल होना चाहिए। अगर आप इस तरीके के फार्मूला पर ट्रेड करते हैं तो ये इंडिकेटर मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से टाइम रेंज ब्रेकआउट काम करता है। लेकिन सबसे पहले जो व्यूवर्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रवीण राणा और आप देख रहे हैं एल्बो क्रैब का वीडियो ट्यूटोरियल। तो अभी जो स्क्रीन आपके सामने है उसमें आपको कुछ एरोज दिखाई दे रहे होंगे, कुछ टिक मार्क दिखाई दे रहे होंगे, कुछ क्रॉस मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं और क्या है फॉर्मूला टाइम रेंज ब्रेकआउट का। सबसे पहले मैं आपको एक सिग्नल की तरफ केंद्रित करता हूँ। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपको एक एरो दिखाई दे रहा है और एक टिक मार्क दिखाई दे रहा है। जो ये टिक मार्क है दोस्तों, ये है टारगेट अचीव होने का, और जो ये एरो है दोस्तों वो है एंट्री होने का, यानी कि ट्रेड में एंटर होने का। अभी जो टाइम रेंज की मैंने बात की उसमें आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड का हाई और एक पर्टिकुलर पीरियड का लो ये कैलकुलेट कर रहा है इंडिकेटर, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक एरो जो मिला है वो इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेक होने के बाद मिला। यानी कि ये जो रेंज थी हाई, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, रनिंग मार्केट में आपका ट्रेड हो गया, और उसके बाद मार्केट जो है 17,900 से आगे ऊपर चढ़ती हुई ऊपर की तरफ आए, तो आप देखेंगे 17,990 के आसपास का रेट यहाँ पर मिला। 17,900 से बाय हुआ और 90 पॉइंट का इसने मूवमेंट किया वन साइडेड मार्केट में। इस तरीके से बोथ साइड मार्केट में भी इसमें ट्रेड होते हैं, दोनों साइड के ट्रेड होंगे। और टाइम रेंज में मैंने क्या टाइम सेट किया है और अलग क्या क्या इसमें आपको इनपुट्स मिलते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो किस तरीके से इसे आपको अप्लाई करना है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, ये है मेटा ट्रेडर 4, यानी कि MT4। बहुत सारे लोग MT4 के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेटा ट्रेडर 4 एक ऑनलाइन चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, और कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फीचर मिलता है हमें, जिसको हम मेटा एडिटर कहते हैं, जिसमें कि हम इंडिकेटर्स कोड करते हैं, यानी कि कोडिंग करते हैं। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई स्ट्रेटजी जो भी वट एवर आप चाहते हो कि ऑटोमेट हो जाए, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल है। आपको करना क्या होगा, आप सिंपली एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसका कि बाय की कंडीशन क्या होंगी, सेल की कंडीशन क्या होंगी, और हमें हमारे मेल पे भेज सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, हम उसको मेल को रीड करेंगे और आपके लिए इंडिकेटर आपको बना के देंगे आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर। चाहे वो कुछ भी हो, आप हमें लिख के दीजिए, जो आप सोच सकते हैं वो हम कोड कर सकते हैं। दिखाता हूँ कि इसमें इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लिस्ट में जाना होता है, राइट क्लिक करके आप इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऑथेंटिकेशन में आपको
हमारा जो प्लेटफॉर्म है एल्गो ट्रेडिंग का, उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये आगे का काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे टाइम रेंज में मैंने आप देखेंगे कि 8:45 लिखा है, यानी कि 8:45 लिखा है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि MT4 जो सॉफ्टवेयर है वो इंडियन मेड नहीं है, यानी कि मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बाहर की कंट्री का सॉफ्टवेयर है और उसका जो टाइम जोन है वो थोड़ा सा इंडिया से अलग है। अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो आपको आधा घंटा फास्ट चलता है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से, यानी कि जब तो इंडियन मार्केट में 9:15 होते हैं तो MT4 में 8:45 होते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने 8:45 से लेके 9 बजे की रेंज डाली है। जब हम इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं तो उसके बाद ये इस टाइम को स्टोर कर लेता है, और जैसे ही इस टाइम के बाद कोई भी कैंडल इस टाइम का हाई या लो ब्रेक करती है तो ये ट्रेडिंग कर देता है आपके अकाउंट में। अब वो कैसे करता है वो आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, आपको इनपुट मिलता है कि इंट्राडे ऑन या ऑफ, यानी कि जो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्या वो प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग है या फिर वो एक पोजिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता, इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें पोजिशनल का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आप सुबह एक टाइम सेट कर रहे हो और उस टाइम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो इसको आपको ट्रू करना है। ठीक है, कितने बजे से लेके कितने बजे तक के बीच में आपका ट्रेड होना चाहिए ये वो टाइम है। उसके बाद ट्रेड मेथड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी भी दिन सिर्फ एक ही ट्रेड हो बाय की रेंज में, बाय की साइड में, या आप चाहते हैं कि मेरा सेल की साइड में ही ट्रेड हो, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ओनली बाय या ओनली सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओनली बाय या ओनली सेल सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बाय के ही ट्रेड लेगा, ओनली सेल में सिर्फ सेल के ही ट्रेड लेगा, मेट्रो के केस में दोनों साइड के ट्रेड लेगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस में आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर आप फॉल्स करेंगे तो स्टॉप लॉस एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप ट्रू करेंगे तो स्टॉप लॉस एप्लीकेबल होगा, और जो भी पॉइंट आप स्टॉप लॉस के डालेंगे उस पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्टॉप लॉस टाइप। अब ये नॉर्मल रखना है आपको या फिर आपको ट्रेलिंग रखना है या फिर ब्रेक इवन रखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब ट्रेलिंग और ब्रेक इवन के बारे में मैं बताऊं तो ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जैसे जैसे नया हाईएस्ट हाई बनता जाता है किसी ट्रेड में, वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहता है। जैसे अगर मैं चार्ट के एग्जांपल से आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ठीक है, और मान लीजिए ये नीचे वाली जो लाइन है ये मान लीजिए स्टॉप लॉस की लाइन है। तो अभी मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस इधर है, तो अब ये यहाँ से मैं बताता हूँ, ये जैसे हाई है, जैसे ही मार्केट ने नया हाई बना ना यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऐसे थोड़ा सा ट्रेल होकर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये नया हाई बनेगा उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रेल होकर आ जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे आपका ट्रेल होता रहेगा ना टारगेट, यानी कि जैसे जैसे हाई बना नया हाई बनता रहेगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। ये होता है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो स्टॉप लॉस है दूसरा ट्रेलिंग, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपका बाय आ गया और ये आपका स्टॉप लॉस है, अब आपको ना ट्रेलिंग स्टेप्स डालने होंगे, कितने स्टेप के बाद कितना स्टेप आपका मूव होना चाहिए। मान लीजिए आपने 30 स्टेप डाले, तो जैसे मार्केट 30 स्टेप ऊपर जाएगी वैसे ही आपका स्टॉप लॉस जितने आपने स्टेप वो स्टॉप लॉस लिखा है उतना ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद आगे 30 स्टेप जाएगा, फिर उसके बाद उतना स्टेप ऊपर जाएगा। ठीक है, अब तो ये स्टेप वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर डालने का ऑप्शन है। इसमें इंडिकेटर में यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेलिंग में ट्रेलिंग स्टेप्स डालने का ऑप्शन है। एक चीज़ आपको ट्रेलिंग स्टेप में हम ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर 50 का स्टॉप लॉस है तो ट्रेलिंग स्टेप्स हमेशा 60 या 60 रहेंगे, 50 से कम नहीं रहेंगे किसी कीमत पे भी। अगर कम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा और इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, इमीडिएटली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, टारगेट का जो केस है उसमें आपको टारगेट ट्रू करना है या फॉल्स करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप टारगेट फॉल्स करेंगे तो टारगेट नहीं लगेगा और टारगेट ट्रू करेंगे तो टारगेट लगेगा, और टारगेट में जो भी पॉइंट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद
अलर्ट का ऑप्शन है कि आपको ट्रेड आने पे अलर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अगर आप अलर्ट ट्रू करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो अलर्ट को ट्रू कर सकते हैं। री एंट्री ऑन ऑफ, री एंट्री का मतलब होता है कि एक साइड में आपका बाय का सिग्नल आया, उसके बाद दोबारा बाय आए तो लेना है नहीं लेना है, सेल के बाद अगर दोबारा से कंटिन्यूस सेल आया तो लेना है नहीं लेना। अगर आपको री एंट्री करना है तो री एंट्री को ट्रू करेंगे, नहीं करना तो पॉज, करना तो पॉज रखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है मैक्स ट्रेड पर डे, यानी कि एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रेड करना चाहते हो, ये आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। आपको चाहिए एक दिन में एक ही ट्रेड होनी चाहिए तो एक ही होगी, आप कहें एक दिन में 50 ट्रेड आए, 50 की 50 करनी है तो इसमें 50 लिख देंगे, ठीक है। तो जितनी भी आपको ट्रेड करनी है उतनी आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम एक दिन में 2 ट्रेड्स लेंगे हम। उसके बाद ये नीचे जो सेटिंग है ये सारी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की सेटिंग है, ठीक है। यानी कि आपको अगर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है तो इसको ट्रू करना होगा एपीआई ट्रेडिंग को, और कुछ डिटेल्स डालनी होंगी। डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये था इंडिकेटर जिसको आपको इस्तेमाल करना है, और आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, घबराना मत, क्योंकि ये जितना भी आप चीज़ें करेंगे ये आपको सिर्फ वन टाइम करनी है, आपको इसको बार बार नहीं करना है, ठीक है। तो रोज़ रोज़ ये करना है, एक बार ये आपने कर दिया तो उसके बाद जब भी आप MT4 बंदियाँ चालू करेंगे उसके बाद वो अपने आप चालू हो जाएगा, जो आप लगा के छोड़ोगे चार्ट में एज इट इज़ खोलोगे तो एज इट इज़ मिलेगा, आपको बार बार अलग अलग से सेटिंग नहीं करनी है। या फिर आप अगर आपको उसको सेव भी करना है तो आप इसको सेव कर सकते हो, यहाँ पे जाके अपना नाम लिख दो या कुछ भी लिख दो और लिख के अपना सेव कर दो, तो अगली बार जब खोलोगे तो यहाँ से लोड कर सकते हो आप, अगर सेम सेटिंग्स को लोड करना है तो। अब मैं बताता हूँ कि इसके ऑटो ट्रेडिंग कैसे होती है। ऑटो ट्रेडिंग करने के लिए आपको जाना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये है प्लेटफॉर्म एल्गो क्रैब, ठीक है। एल्गो क्रैब पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एल्गो क्रैब पर रजिस्टर करना है, ठीक है। ये एल्गो क्रैब की वेबसाइट है, साइन अप का बटन दबाना है, यहाँ पे डिटेल डालनी है, अपना अकाउंट वेरीफाई करना है OTP से, और अकाउंट खोल लेना है। अकाउंट खोलने के बाद लॉगिन करना है आपको, लॉगिन पे आने के बाद लॉगिन करना है। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में अभी ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। सीधे हम मुद्दे पर चलते हैं, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट ऑथेंटिकेट करना है, जैसे एलआईसी ब्लू का अकाउंट है, यहाँ पे अपडेट का बटन दबाया, गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ गया, ये आपसे डिटेल मांग रहा है, डिटेल डाल दी, डिटेल डाल के आपने सबमिट कर दिया, ये वापस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वैलिडेट टोकन पे क्लिक करो, चेक कर लो टोकन वैलिड है, सब सही है, सेट हो गया, ऑल सेट, इसके अलावा कुछ नहीं करना, अकाउंट आपका लिंक हो गया। अब आपको अगले दिन सुबह आना है 8 से 9 के बीच, फिर से ये गेट एक्सेस टोकन करना है, ठीक है। सिर्फ गेट एक्सेस टोकन का काम करना है और कुछ नहीं करना, और सब अपने आप हो जाएगा। अब ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन का, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले इंडिकेटर डाउनलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ। मार्केट प्लेस में जाना है, ब्रिज टूल पे जाके मार्केट प्लेस में जाना है, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको डाउनलोड का ना दिखे तो गेट ट्रायल का दिखेगा, गेट ट्रायल पे क्लिक करोगे डाउनलोड में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी MT4 में। MT4 में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आने के बाद फाइल पे जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, MQL4 में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे चाहे तो अपना एक नाम से फोल्डर बना लो, चाहे डायरेक्ट पेस्ट कर दो, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा नहीं, राइट क्लिक करना है नेविगेटर विंडो में और रिफ़्रेश करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रिफ़्रेश करना है, रिफ़्रेश करने से दिख जाएगा, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद डबल क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, ऐसे करके आपने एक बार ओके कर दिया ना, तो बार बार उसमें दोबारा से जाके ओके नहीं करना, यहाँ पे जाके एक बार ऐसे ओके किया ना, यहाँ पे जाके एक बार ऐसे ओके किया, उसके बाद दोबारा आके ओके नहीं करना है। दोबारा आपको यहाँ जाना है, राइट क्लिक करना चार्ट में, इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे डबल क्लिक करके ही चेंजेस करने हैं। अगर आप यहाँ पे दोबारा से ओके करोगे ना तो ये 2 बार इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा, फिर आपकी दो दो बार ट्रेड हो जाएगी, फिर आप कहोगे इतनी बार ट्रेड कैसे होगी मेरी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है ये बहुत। तो ये था कि डाउनलोड कैसे करना है, अब है कि सिंबल कैसे लगाना है। सिंबल लगाना भी बहुत आसान है, यहाँ पे MT4 में जाओ, MT4 ब्रिज में जाओ, यहाँ पे सिंबल क्रिएट कर लो, जिसमें भी ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है ना, निफ्टी लगाओ, निफ्टी ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एक दो चीज़ें आ रही हैं, यूज़र की, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये क्या करना है, हमें इसको कॉपी करना है, MT4 में जाना है और अपने इंडिकेटर लिस्ट में जाके इसको यहाँ पे नीचे, पहले तो API ट्रेडिंग को हमें करना है ट्रू, अगर ट्रेडिंग करनी है तो। यूज़र की को यहाँ पे पेस्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट की को यहाँ पे पेस्ट करना है,
ठीक है, ये मैंने उठाई यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की और इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। नीचे आ गया अभी रेगुलर, और यहाँ पे नॉर्मल करना है, नॉर्मल नहीं करना है, आपने एमआईएस करना है। आपका रोज ट्रेड होगा तो आपको एमआईएस करना है इंट्राडे, क्योंकि ये इंडिकेटर है। क्वांटिटी में आपको लॉट क्वांटिटी डालनी है, जैसे 50 निफ्टी की, 25 बैंक निफ्टी की, ऐसे। ठीक है, ये सब कर दिया, सब करने के बाद ओके कर देना। अब जो आपका ट्रेड है ना वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है मुझे बताना आपको, वो ये है कि जो भी मैंने अभी ये काम किया है, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा लेंथी है या ट्रिकी है, ये बहुत सिंपल है और ये वन टाइम ही करना है, आपने बार बार नहीं करना है। ठीक है, अब आप आज के बाद आपको क्या करना होगा, अब इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टोकन लेना होगा डेली। अपना कंप्यूटर चलाना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है MT4 को सुबह सुबह, और उसके बाद टोकन ले लेना 8 बजे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। एक बार ही सेटिंग करनी थी, जो भी करनी थी। अब यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हो, चाहो तो चेंज कर सकते हो, चाहो तो सेम रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये रहा प्लेटफॉर्म, इसमें स्टार्ट का बटन दबाना है। ठीक है, स्टार्ट का बटन मतलब ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब आप जैसे ही सिग्नल आएगा ट्रेड हो जाएगा आपका अपने आप। ठीक है, सिग्नल आने पे कैसे ट्रेड होता है वो मैं एक बार बैक टेस्ट वाली पे चला के आपको दिखा देता हूँ कि नया सिग्नल आएगा तो ट्रेड कैसे करेगा। ठीक है, अभी जो है ना हिस्ट्री के डेटा पे चल रहा है। अब क्या होगा कि जब भी कोई सिग्नल बनेगा ना इसमें, अगला दिन जब आएगा तो ब्रेकआउट होगा तो ये यहाँ पे एक अलर्ट देगा, और अलर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके किस तरीके से ट्रेड हुआ। ठीक है, ये बस मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, ये रियल टाइम पर नहीं है, मार्केट बंद हो चुकी है तो ऑर्डर जो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो रीज़न दिख जाएगा वहाँ पर जो भी आएगा। लेकिन हमारा काम ये है देखना है कि जैसे ही सिग्नल आएगा तो कैसे ट्रेड करेगा, मैं उसको आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ सिंपली। ठीक है, देखो सेल का सिग्नल दिख गया, इसको मैं बंद करता हूँ, ये मैंने पॉज कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ देखेंगे ट्रेड हिस्ट्री में। ये देखो सेल का सिग्नल दिख रहा है, निफ्टी सेल सक्सेस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे चलने देते हैं। ठीक है, ये क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब है कि 50 पॉइंट्स ऊपर जाके स्टॉप लॉस लग गया इसका। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट प्लेस में गए, इसमें ब्रिज में गए, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, ये देखो सेल उसके बाद बाय। ठीक है, दोनों ट्रेड हो गया। तो आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही सिग्नल आएगा ऑर्डर पंच कर देगा, ट्रेड कर देगा अपने आप ही। ठीक है, ये है इस इंडिकेटर की खास बात। तो अगले वीडियो में मैं आपको वो दूसरा इंडिकेटर दिखाऊंगा। आशा करता हूँ ये इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर रेंज ब्रेकआउट पर काम करते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है, ब्रिज के आपको चार्जेस पे करने होंगे जो हैं 999 प्लस GST, 1178 रुपये होते हैं। एक महीने का सिर्फ यही चार्ज है अगर आप ये वाला इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से कोई इंडिकेटर बनवाना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना है तब भी सेम चार्जेस हैं। इंडिकेटर बनवाने के लिए आपको वन टाइम डेवलपमेंट चार्जेस देना पड़ेगा जो कि 4 से 6 हज़ार के बीच होता है, अगर नॉर्मल कोई इंडिकेटर पे आपको बनवाना है तो। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, अदरवाइज इतना ही रहता है। 4 से 6 के बीच में आपको परफेक्टली बना के दे देंगे हम इंडिकेटर आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर डेमो लीजिए, 6 दिन फ्री है ये, आप 6 दिन पर बिना इसको कुछ भी पे करें यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो MT4 के थ्रू या कैसे भी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, सुबह 9:30 से 5:30 हम लोग अवेलेबल होते हैं, आप उस दौरान कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।